माइकल जैक्सन, इस नाम को दुनिया का हर बच्चा, हर युवा, बूढ़ा, बड़ा बखूबी जानता है। माइकल जैक्सन जितना बड़ा कलाकार था, उतना ही अद्भुत उनका व्यक्तित्व था और उतनी ही अद्भुत उनकी बातें और महत्वाकांक्षाएं थी। आप जितना उनके बारे में जानेंगे उतना ही हैरान होते चले जाएंगे। लेकिन शुरू करने से पहले जो नए दर्शक हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में दी गई घंटी को जरूर दबाएं ताकि आगे आप देख सकें हमारे वीडियो सबसे पहले। पहले हैरानी आपको यही जानकर हो जाएगी कि माइकल जैक्सन 150 साल जीना चाहता था। जी हाँ, पूरे 150 साल। वो बीमारियों के डर से हाथ मिलाने से पहले दस्ताने पहनता था और तो और लोगों के बीच जाने से पहले मुंह पर मास्क लगाता था। अपनी देखरेख के लिए माइकल जैक्सन ने अपने घर में 12 डॉक्टर्स रखे थे जो उसके सर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक की जांच प्रतिदिन किया करते थे। यहां तक कि माइकल जैक्सन का खाना लेबोरेटरी में चेक होने के बाद ही आता था। उसने एक्सरसाइज करने के लिए 15 लोगों को रखा हुआ था। आपको बता दें कि माइकल जैक्सन अश्वेत था, मगर उसने 1987 में प्लास्टिक सर्जरी करवाकर अपनी त्वचा को गोरा बना लिया था। और सुनिए, उसने अपने काले माँ बाप और काले दोस्तों को भी छोड़ दिया और उसने गोरे माँ बाप को किराए पर ले लिया और अपने दोस्त भी गोरे बनाए। शादी भी गोरी औरतों से की। नवंबर 15 को माइकल ने अपनी नर्स डेबी रो से विवाह किया। उससे उसे 2 औलादें पैदा हुई, प्रिंस माइकल जैक्सन जूनियर और पेरिस माइकल कैथरीन। 18 मई 1995 को माइकल जैक्सन ने शहजादे एल्विस प्रेस्ली की बेटी लिजा प्रेस्ली से शादी की। MTV वीडियो म्यूजिक अवार्ड्स में इस जोड़ी के ऑन स्टेज किस ने तब बहुत सुर्खियां बटोरी थी। हालांकि सिर्फ 2 साल में उनका तलाक हो गया। आपको बता दें कि माइकल जैक्सन 150 साल तक जीने के लक्ष्य को लेकर चल रहा था। वो इसी डर से ऑक्सीजन वाले बेड पर सोता था। उसने अपने अंग दान करने वाले डोनर भी तैयार कर रखे थे जिन्हें वो खर्चा देता था ताकि वक्त पड़ने पर उन्हें किडनी, फेफड़े, आंखें या किसी भी शरीर के अंग मिल सके। माइकल का सोचना था कि पैसे और अपने रसूख बल पर वो मौत को भी चकमा दे सकता है, लेकिन खुदाई फिर भी खुदाई है। उसके इस अजर अमर वाले ख्याल को उस वक्त झटका लगा जब 25 जून 2009 को उसके दिल की धड़कन रुकने लगी। उनके घर पर 12 डॉक्टर की मौजूदगी थी पर हालात काबू में नहीं आ पाए और सारे शहर के डॉक्टर उसके घर पर आ गए पर उसे बचा नहीं सके। आपको बता दें कि माइकल जैक्सन ने 25 साल तक बिना डॉक्टर से पूछे कुछ नहीं खाया। अंत समय में उसकी हालत बहुत खराब हो गई। 50 साल तक आते आते वो अपनी मौत के करीब हो चला था। और ये पॉप ऑफ किंग माइकल जैक्सन 25 जून 2009 को इस दुनिया से चला गया, जिसने अपने 150 साल जीने का इंतजाम कर रखा था उसका इंतजाम धरा का धरा रह गया। उसके शरीर का जब पोस्टमार्टम हुआ तो डॉक्टर को पता चला कि उसका शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था। उसका सिर गंजा था, उसकी पसलियां कंधे की हड्डियां टूट चुकी थी, उसके शरीर पर अनगिनत सुई के निशान थे। प्लास्टिक सर्जरी के कारण होने वाले दर्द से छुटकारा पाने के लिए एंटीबायोटिक वाले दर्जनों इंजेक्शन उसे दिन में लेने पड़ते थे। माइकल जैक्सन की अंतिम यात्रा को 2.5 अरब लोगों ने लाइव देखा। यह अब तक की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली लाइव ब्रॉडकास्ट थी। माइकल जैक्सन की मौत वाले दिन यानी 25 जून 2009 को 3:15 बजे विकिपीडिया, ट्विटर और AOL इंस्टेंट मैसेंजर पर ये सभी क्रैश हो गए थे। यहां तक कि ज्यादा सर्च होने के कारण गूगल पर सबसे बड़ा ट्रैफिक जाम हुआ। गूगल क्रैश हो गया और 2.5 घंटे तक गूगल काम नहीं कर पाया। मौत को चकमा देने की सोचने वाले माइकल जैक्सन को शायद नहीं मालूम था कि इस दुनिया में कोई भी चीज स्थायी नहीं है। कोई भी बनावट सच्ची कुदरत के आगे नहीं टिक सकती। आपको बता दें कि माइकल जैक्सन प्लास्टिक सर्जरी माइकल जैक्सन का शौक नहीं था, उसे ये बीमारी थी और उस बीमारी की वजह थी एक गाने की वीडियो शूट के दौरान उसने गोल्डन सूट पहना था। गोल्डन सूट और हाई वोल्टेज लाइट्स के कॉम्बिनेशन की वजह से उसे डीप स्किन बर्न हो गया, जिसकी वजह से उसे एक के बाद एक कई स्किन सर्जरी से गुजरना पड़ा। उन्हीं सर्जरी की वजह से वो बहुत गोरे हुए। वो सर्जरी गोरा होने के लिए नहीं बल्कि स्किन डैमेज को रोकना था, लेकिन उसका स्किन बर्न हादसा बहुत ही भयानक था। सर्जरी और स्किन बर्न के कारण उनके चेहरे पर दरारें पड़ने लगी, जिससे वो अपने फैंस से छुपाने के लिए मास्क पहनते थे। उनकी बीमारी की वजह से ही ऑक्सीजन चैम्बर था, नर्स और डॉक्टर थे, इमरजेंसी का इंतजाम था। अब आपको बताते हैं माइकल जैक्सन की जिंदगी का दूसरा रुख। माइकल जैक्सन को उसी के पिता ने कई तरह से प्रताड़ित किया। उसे बचपन से ही पैसा कमाने की मशीन के रूप में उस पर जबरदस्ती की गई।
उसके प्रियजनों ने भी उसे दुख दिए। वो अपनी छोटी बहन जेनेट जैक्सन के अलावा किसी को भी अपना करीबी नहीं मानते थे। जैक्सन ने अपने बचपन के कई दिनों तक एक ब्रेड खाकर भी गुजारा किया। अपनी प्रतिभा के बल पर दुनिया का सबसे विख्यात कलाकार बना, जिसकी मृत्यु पर गूगल क्रैश हो गया। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि इस विलक्षण प्रतिभा के मालिक माइकल जैक्सन ने वो उपलब्धियां हासिल की जिसको कोई भी छू नहीं सकता। उसके गीत आज भी दुनिया भर के लोगों के दिलों में राज करते हैं। माइकल जैक्सन की नृत्य शैली का दूसरा कोई पर्याय नहीं है। संक्षेप में इतना ही, माइकल जैसे लोग दुनिया में बार बार पैदा नहीं होते। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि दिल से बनाए गए इस वीडियो को आप अपना प्यार दिल से देंगे। कमेंट बॉक्स में अपने प्यारे संदेश जरूर दीजिएगा। दो शब्द आपकी तरफ से माइकल जैक्सन के लिए। हम इंतजार कर रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।